चीन के पॉपुलर गेमिंग ऐप पबजी के बैन होने के कुछ घंटे बाद ही बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार ने गेमर्स के लिए खुशखबरी दी है। अक्षय नया गेम FAUG लेकर आ रहे हैं। भारत सरकार ने चाइनीज ऐप्स को बैन करके पड़ोसी देश पर एक और डिजिटल स्ट्राइक की है। भारत सरकार ने 118 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है। इन ऐप्स में हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप। चीन के पॉपुलर गेमिंग ऐप पबजी के बैन होने के कुछ घंटे बाद भी बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार ने गेमर्स के लिए खुशखबरी दी है। अक्षय नया गेम FAUG लेकर आ रहे हैं। भारत सरकार ने चाइनीज ऐप्स को बैन करके पड़ोसी देश पर एक और डिजिटल स्ट्राइक की है। भारत सरकार ने 118 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है। इन ऐप्स में देश में सबसे ज्यादा पॉपुलर गेमिंग ऐप पबजी था। अक्षय के नए गेम का नाम FAUG यानी फौजी है। आप देख सकते हैं ये पबजी के बंद होने के बाद अक्षय कुमार लेकर आए हैं पबजी का जवाब फौजी। रवि जैन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैसे भी रवि, अक्षय की जो इमेज है वो राष्ट्रवादी इमेज है और अब उनका गेम जो है उनको और ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है फौजी। जी अनुराग मुस्कान, आपने सही कहा। ये जो गेम है इसके नाम में ही राष्ट्रवाद है। फौजी जो पबजी का जो हमने तोड़ निकाला है, जो आत्मनिर्भर बनने की जो प्रधानमंत्री ने अपील की है देश से, देशवासियों से, ये उसी का जवाब है कि इतना पॉपुलर गेम जो दुनिया भर में मशहूर था, देश में काफी लोग, काफी बड़े पैमाने पर करोड़ों लोग इसे खेला करते थे, अब वो बैन कर दिया गया है। और इसके बैन करने के चंद ही एक दो दिन में ही इसे लॉन्च किया जाना, ये बताता है कि हम आत्मनिर्भर बनने की ओर जो कदम उठा रहे हैं बहुत तेजी से उठाने की कोशिश हो रही है। अक्षय कुमार ने भी कहा है कि ये आत्मनिर्भरता की ओर एक बहुत बड़ा कदम है। और दूसरी बात, ये अक्षय कुमार का ये कहना है कि ये जो गेम है वो जो सरहद पर जो हमारे सैनिक हैं, जो अपनी जान देते हैं, जो इतना अपने त्याग करते हैं, परिवारों से दूर रहते हैं, उनके कष्टों को समझने में ये बहुत मदद करेगा। अभी हम कर रहे थे जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे थे, आपने पबजी देखा होगा, कुछ इसी तरह का गेम होता है, लेकिन ये फौजी है। पबजी की जगह जो है वो फौजी ने ले ली है। और ये आप तस्वीरें देखिए, गेम कुछ इस तरीके का होने वाला है FAUG। ये आप दो तस्वीरें देखिए, एक तरफ आप देख रहे हैं पबजी में किस तरीके से गेमिंग होती थी, दूसरी तरफ आप देखिए जो पबजी की जगह ले रहा है फौजी FAUG, उसमें किस तरीके का नजारा होगा, कैसी ये गेम खेला जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? तो मुझे पता चल चुका है कि ये वीडियो, ये जो हमारा गेम है, 1 से 2 दिन में प्ले स्टोर पर लॉन्च कर दिया जाएगा। और मुझे यहाँ तक पता चला है कि ये नेक्स्ट लेवल इसका ग्राफिक है, ये पबजी का तोड़ है। और जैसे कि पबजी ने अभी तक टेंशेंट वालों के साथ जो टाइप था उनके साथ अभी तक उनका कुछ हुआ नहीं है, अभी तक कुछ फैसला आया नहीं है। तो यहाँ पे हमारी सरकार ने अक्षय कुमार के साथ मिलके बहुत ही अच्छा गेम निकाला है। और मुझे जितना पता है कि इसका नेक्स्ट लेवल गेम है, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है ये गेम। और भाई इंडिया को सपोर्ट करोगे, क्योंकि ये गेम्स खेलने की वजह से अपनी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी होगी, जो हमारी इकोनॉमी है बहुत ही अच्छी होगी, जिससे हमारे देश को फ़ायदा होगा। इसमें से जो इनको प्रॉफिट मिलेगा फौजी गेम के थ्रू, तो ये 20% अपने जो देश के वीर जवान जो ग्लेशियर पे हमारे लिए लड़ाई करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, उनके लिए जाने वाला है वो 20% जो भी हमारा मनी रहेगा। तो प्लीज़ सपोर्ट करो इस गेम को, अगर नेक्स्ट टेबल होगा तो हम सब मिलकर ये गेम खेलेंगे। और आपको ये कैसा लगा वीडियो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना। और प्लीज़ जो जो नए आ रहे हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।